सररर होलिका तू राख में मिले हमने जब जब सम है माहे भवानी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरे चैनल कुमार तो ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज की वीडियो एडिटिंग होली दहन स्पेशल है, जो कि टाइम पर इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो दोस्तों, सभी मटेरियल की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए लाइक, और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं बिना देर के वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको लाइट नोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और दोस्तों, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको कंटिन्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको ऑडियो पे आ जाना है। तो दोस्तों, आपको एक ऑडियो की लिंक दे रखा हूँ, आप उस ऑडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, ऑडियो को ऐड करने के बाद अब दोस्तों को प्लस पे क्लिक करना और आपको मीडिया पे आ जाना है। तो दोस्तों, आपको होली दहन एक फोटो दे रखा हूँ, आप उस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों आपको इस फोटो को ठीक से एडजस्ट कर लेना है। ठीक से एडजस्ट करने के बाद अब दोस्तों को इस फोटो के लेयर पे क्लिक करना और आपको इस क्लियर को आगे तरफ लेके चले जाना है। कुछ इतना करने के बाद आप दोस्तों को फिर से प्लस पे क्लिक करना और आपको मीडिया पे आ जाना है। तो दोस्तों, आपको एक और फोटो दे रखा हूं, आप उस फोटो को यहां पे सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आप दोस्तों आपको इस फोटो की लेयर को आगे तरफ लेके चले जाना है। अब दोस्तों, आपको इस फोटो पे क्लिक करना, अब आपको ब्लेंडिंग पे क्लिक करना और आपको यहां पे डार्क पे क्लिक करना और आपको मल्टीप्ले पे क्लिक कर देना है। कुछ इतना करने के बाद अब दोस्तों को प्लस पे क्लिक करना है और आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको अपने पसंद के इमोजी को यहाँ पे सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों को फ़ॉन्ट पे आना है। तो दोस्तों, आपको एक फ़ॉन्ट की लिंक दे रखा हूँ, आप उस फ़ॉन्ट को यहाँ पे ऐड कर लेना है। फ़ॉन्ट को ऐड करने के बाद अब दोस्तों को साइज पे आना है, आपको साइज को यहाँ पे 20 करना है और आपको कलर पे आना है। अब आपको यहाँ पे कलर को यहाँ पे रिमूव करना है। अब दोस्तों, आपको इसको ठीक से एडजस्ट कर लेना है। ठीक से एडजस्ट करने के बाद अब दोस्तों आपको इसकी लेयर को भी आगे की तरफ लेके चले जाना है। कुछ इतना करने के बाद अब दोस्तों को फिर से प्लस पे क्लिक करना है और आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे लिखना है होली दहन। और लिखने के बाद अब दोस्तों को फ़ॉन्ट पे आना है, आपको अपने पसंद के फ़ॉन्ट को यहाँ पे ऐड कर लेना है। फ़ॉन्ट को ऐड करने के बाद अब दोस्तों को साइज पे आना है और आपको साइज को यहाँ पे 20 या 24 तक कर लेना। करने के बाद आपको कलर पे आना है और आपको यहाँ पे वाइट कलर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों, आपको इसको ठीक से एडजस्ट कर लेना है। ठीक से एडजस्ट करने के बाद अब दोस्तों आपको इसकी लेयर को आगे तरफ लेके चले जाना है। कुछ इतना करने के बाद आप दोस्तों को फिर से प्लस पे क्लिक करना है और आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको दो इमोजी को यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद अब दोस्तों आपको उसी फ़ॉन्ट को यहाँ पे फिर से ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको उसी साइज़ को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे कलर को रिमूव करना है। और रिमूव करने के बाद अब दोस्तों आपको इसको ठीक से एडजस्ट कर लेना है। और दोस्तों, आपको इसकी लेयर को भी आगे की तरफ लेके चली जाना है। कुछ इतना करने के बाद अब दोस्तों आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है और आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको होली दहन की डेट को यहाँ पे लिखना है। अब दोस्तों, आपको 24/03/2024 ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको उसी फ़ॉन्ट को यहाँ पे फिर से ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको साइज पे आना है और आपको साइज को 20 या 24 तक कर लेना है। अब दोस्तों, आपको कलर पे आना है और आपको व्हाइट कलर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना और आपको राइट पे क्लिक कर देना। और दोस्तों, आपको इसको भी ठीक से एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद अब दोस्तों आपको इसकी लेयर को भी आगे तरफ लेके चले जाना है। कुछ इतना करने के बाद अब दोस्तों आपको बैक आना है। अब दोस्तों, आपको एक XML फाइल की लिंक दे रखा हूँ, आप उस XML फाइल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब दोस्तों, आपको उस XML फाइल पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपको एक लेरेक्स दिख जाएगी यहाँ पे, तो आपको इस लेरेक्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों आपको कॉपी वाले आइकन पे क्लिक करना है और अब आपको यहाँ पे कॉपी लेयर पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको इसको लेयर को कॉपी करने के बाद अब दोस्तों आपको बैक आ जाना है। अब दोस्तों, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो आपको उस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे आपको कॉपी वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारा ये इफेक्ट ऐड हो गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारी ये वीडियो भी एडिट हो गई है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अब आपको ऊपर की तरफ दिख रहा हो एक्सपोर्ट का आइकन, तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे क्लिक करके आपके पास कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको नीचे की तरफ दिख रहा हो एक्सपोर्ट, अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप जैसे क्लिक करोगे आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी वीडियो भी एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इधर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वो भी इसी प्रकार की वीडियो एडिटिंग करना सीख सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।